¿Qué hace Perse? अपने बगल वाले से मिल लिया, अपने बगल वाले से एक बार मिल करके बोलिए कि आप बुद्धिमान हैं, और जिसके अगल बगल कोई नहीं है वो खुद को बोले कि मैं बुद्धिमान हूं। अपने दूसरे बगल वाले से भी, दोनों अगल बगल दोनों, आप बुद्धिमान। और जो अकेले है वो क्या बोलेगा? मैं बुद्धिमान। पता है हम इस चीज को क्यों बोल रहे हैं आप लोगों को? क्योंकि सब मतलब हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ, सब हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं। और सबसे बड़ा बुद्धिमानी का बात यही है कि हम लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण के क्या किए हैं? ग्रहण किए हैं। और सचमुच में वचन, आज जैसा हम वचन में भी पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि बुद्धिमान पुत्र से क्या होता? पिता आनंदित होता है। और सचमुच हम लोग को भी देख करके, हम लोग जो वो बुद्धि वाला काम किए यीशु मसीह को ग्रहण करके, वो हम लोग से भी खुश है। और बीते दिनों में हम देख रहे थे, एक 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 मैया थी, वो एक गवाही दे रही थी कि उसको शायद जूनियर साइंटिस्ट का कुछ अवार्ड मिला था, मेरी शायद हम सही है कुछ ऐसा गवाही आया था। तो सच में जब वैसे वैसे कामों को देख करके, प्रभु हम लोग को देख करके, हम लोग की मतलब हम लोग को बुद्धि देख करके कि हम लोग कितना कुछ कैपेबल करते हैं, कितना कुछ करने के लिए कैपेबल है, प्रभु आनंदित होता है। और आज हम इस बात को इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये जो अगस्त का महीना है, आज से 4 साल पहले हम इसी महीना में, यही वो महीना था 8 अगस्त को जब हम प्रभु को अपना जीवन में स्वीकार किए थे, और प्रभु उस समय से लेकर के अब तक संभाल रहा है। और उसके लिए हम प्रभु को महिमा देते हैं, हालेलुया। और सचमुच में आप लोग के लिए भी प्रभु उसी रीति से आनंदित है जैसा वो मेरे लिए हुआ, कि जैसा हम लोग पाते हैं कि एक भी कोई स्वर्ग मन फिर आता है यहाँ तो स्वर्ग में क्या होता है? बहुत बड़ा आनंद मनाया जाता है। तो हम लोग सभी उस आनंद के भागीदारी हैं, इसके लिए प्रभु को महिमा मिले। और एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि जब अपनी गवाही को शेयर कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा था कि हम इतना पाप में इतना ज़्यादा थे, और हम लोग के सबके जीवन में कहीं ना कहीं, हर एक के फैमिली में, हम हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं कोई स्ट्रगल होता है, कोई तकलीफ होता है, कोई प्रॉब्लम होता है। और मेरे घर का भी कुछ प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम, वो चैलेंज जो था वो हम थे कि हम इतना कुछ इतना बिगड़ चुके थे कि मतलब वो एक सीमा टूट चुका था बिगड़ने का। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक परिवार को हमको जो इतना अच्छा परिवार दिया प्रभु, मेरा फैमिली के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक मेरी छोटी बहन जो मेरे लिए बहुत प्रार्थना की, और उसके ही कारण से आज जो भी है हम यहाँ हैं। और इस घड़ी हम भी इस समय को याद करें, वो समय जिस समय में हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, वो जो भी घड़ी था हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। वो जो भी व्यक्ति था जिसके द्वारा हम आज प्रभु को जानने पाए उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। और सचमुच में इससे बड़ा बात हम लोग के लिए और कुछ नहीं कि हम लोग उसको जान रहे हैं। वो जीवन तो देता है हम लोग को, वो जो अनंत का जीवन देता है, अनंत काल का जीवन, उस नाम को हम लोग जानते हैं। इस घड़ी हम सभी कोई अपने होठों को खोले और परमेश्वर का धन्यवाद कहे प्रभु कि हाँ प्रभु जी, हम सचमुच में पिता अंधकार में थे, हाँ पिता हमारा जीवन नरक सा था, पिता हम मुर्दों सा जी रहे थे प्रभु जी, लेकिन हाँ पिता आपकी अनुग्रह हम पर हुई पिता, हाँ पिता आपने ऐसी अद्भुत कामों को किया प्रभु हमारे जीवन में, हमारे प्रियों के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा पिता, हमारे दोस्तों के द्वारा प्रभु जी, कि आज हम पिता आपके नाम को जानते हैं प्रभु। हाँ पिता हम उस घड़ी के लिए धन्यवाद देते हैं जिस घड़ी में हमने आपको अपना उद्धारकर्ता रह के ग्रहण किया प्रभु जी। हम उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि हम प्रभु आपके आपके संगति में आए प्रभु जी। हम पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए हम सभी को अपने होठों को खोले प्रभु को और प्रभु का धन्यवाद करें। वो जो प्रेमी प्रभु है, जो अनुग्रहकारी है, जो इतना दयालु है और धीमे में क्रोध करने वाला प्रभु है, आइए हम उसकी आराधना करें। और हम उसको सिर्फ इसी बात पर धन्यवाद दें कि आज हम उसके नाम को जानते हैं।
उस नाम को जानते हैं जिस नाम में जीवन है, उस नाम को जानते हैं जिसमें प्रेम है, और इतना प्रेम है कि उस प्रेम से हम कभी अलग नहीं हो सकते। इस घड़ी में उसकी आराधना करें, हम उसको धन्यवाद दें। मेरी सूरत भेड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जय का, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जय का, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जय का, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जय का। शुद्ध किया पिता, अपने लहू से सींच करके हमें नया किया प्रभु, उसके धन्यवाद देते हैं।
आज हम जो कुछ भी है पिता ये आपका दान है, ये आपका अनुग्रह है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप पिता हमारी कोई काबिलियत या पिता हमारी कोई ऐसी अच्छाई नहीं है पिता कि हम उन कामों को ला करके दिखाएं कि हाँ पिता हम अच्छे हैं, लेकिन जो कुछ भी अच्छा है वो पिता आप कर रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आपके उस क्रूज के लिए पिता, हाँ पिता, जहाँ आपने हम हर एक को आज़ाद किया पिता, हम हर एक को आज़ाद किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। और हाँ पिता, जब यहाँ आपके नाम से हम इकट्ठा हुए प्रभु, हम प्रभु आपका स्वागत करते हैं प्रभु कि तू अपने वायदे के अनुसार यहाँ उपस्थित है पिता, तो हमारी आराधना में प्रभु जी तू शामिल है पिता, हम सबको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, आपके दूत लोग हमारे साथ है प्रभु, जिसका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और सचमुच आज की आराधना पिता एक अद्भुत आराधना है प्रभु, जिसका धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना हमारे जीवन में पिता नया काम करने जा रही है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना के द्वारा हम हर एक को आजाद किए जा रहे पिता, चाहे जो भी हम बंधन में होकर के आ जाए पिता, हर एक को बंधन आज यीशु के नाम से टूटने जा रहे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम सारी बातों को प्रभु जी आगे की पूरी सभा को पिता आपके हाथ में सौंप, हम सभी को पिता अपने आप को शून्य करते पिता, हाँ पिता हम नहीं है कुछ प्रभु जी, हम इस बात का अंगीकार करते प्रभु जी, हम कुछ नहीं है पिता आपके बिना, हम कुछ नहीं है प्रभु जी, हम कुछ नहीं है पिता, हम अपने आप को समर्पित करते प्रभु जी। और यहाँ पिता हम आपको आगे करते पिता कि आज आपका नाम यहाँ ऊंचा उठाया जाता है, हाँ पिता हर एक के जीवन में पिता आपका नाम ऊंचा किया जाता है, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हाँ प्रभु जी आप यहाँ आगे हैं पिता, पवित्र आत्मा हम आपकी उपस्थिति में है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपको महिमा आपको आदर देते हैं प्रभु जी, और सारी बातों को आपके नियंत्रण में सौंपते हुए प्रभु ये धन्यवाद की प्रार्थना अपने उद्धार करता जीवित और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, एक साथ कहें हम आमेन। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना के लिए हम तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं? आज हम लोग ना क्या करेंगे, हम लोग रांची वाले लोग थोड़ा ना जवाब देने में थोड़ा हिचकिचाते लगता है, इसलिए आज हम लोग वचन क्या कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो बोलते रहोगे प्रेम करते हैं, कि कुछ और भी बोलता है, तुम मेरी आज्ञाओं को, तो आज आप लोग को करके दिखाना है, ठीक है, हम लोग तैयार है आराधना के लिए, आइए हम उसकी महिमा करें, उसने नाम को ऊंचा उठाया, वो नाम जिससे हम जीवन पाए, वो नाम जो हमारे पापों को क्षमा करता है, वो जो हमें संभालता है, और वो ये भी वायदा देता है कि वो आगे भी संभालेगा, आइए हम तैयार हैं उसकी आराधना के लिए, एक बार जोर से उसके लिए तैयार हैं हम, हालेलुया, आइए हम अपने हाथों को एक बार ऊंचा उठा करके कहें ठीक है, आप मेरे पीछे गाइए, परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, आप गाइए सारे पापों से, सारे पापों
दुनिया के खबरों से हमें बताता है। तैयार है आप लोग? फ्री स्टाइल भी चलेगा क्योंकि क्योंकि वो क्या करता है, यीशु मसीह हम लोग को प्यार तो करता है, खुश भी रखता है वो हम लोग को क्या देता है, खुशी देता है। आइए हम लोग अपने स्थान में खड़े हो जाए। Thank you.
Thank you.
प्रभु आया तब से बहुत लोगों का हेल्प तो किए हैं, लेकिन हेल्प करने के बाद उसको भी भूल जाते हैं। हम लोग संसार में रह के क्या सीखे कि नेकी कर तो हम लोग क्या करते हैं, मेरे साथ ऐसा होता है कि किसी का हेल्प करके भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग का परमेश्वर क्या करता है, वो हेल्प करता है, फिर आगे संभालता है, बढ़ाता है। सच में जो है तो इस गाड़ी में हम लोग आराधना के क्षेत्र में जाएंगे, और हमको नहीं पता कि आप लोग का क्या परिस्थिति है, किस परिस्थिति में होकर के आप आए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो आपकी हर एक बातों को, जो आप सोचते हैं उन बातों को वो जानता है, और वो यही चाहता है कि हम में से कोई भी उस बंधन में ना रहे, क्योंकि उस क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को जो बलिदान किया, वो यूं ही नहीं है, वो चाहता है कि हम लोग उससे पूरे विश्वास के साथ उसे अपने जीवन में ग्रहण करें, उसकी क्षमा को, वो जो आजादी हमें दिया है उस आजादी को हम ग्रहण करें, कि हम उसमें और बढ़े, उसके प्रेम में और बढ़े। इस घड़ी में सभी अपने होठों को खोले और परमेश्वर को, हम चाहे जिस भी परिस्थिति में होकर के आज गुजर रहे हैं, आज अपनी परिस्थितियों को उसे बता दें। वो जानता तो है, लेकिन वो आपसे सुनना चाहता है, वो आपको सुनना चाहता है कि आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। हम सभी अपने होठों को खोल करके अपनी हर एक परिस्थिति को बता, आप कहीं पे भी स्ट्रगल क्यों ना कर रहे हो, वो आपके स्ट्रगल को, एक एक स्ट्रगल को जानता है, अपना सब कुछ उसे सौंपते हैं। कोई भी चीज आज तक जिस भी चीज को हमने अपने पास रखे हुए हैं, उस सभी बातों को आज परमेश्वर के हाथ में सौंप, और उससे अनुग्रह मांगे कि वो अपना काम करे वहां हमारे उस परिस्थिति में। Oh,
कुछ को पिता इस घड़ी में आपके चरणों में लाता हूँ। पिता हमारा जीवन, हमारा परिवार, पिता हमारा हमारा कॉलोनी, पिता सब चीज को पिता इस घड़ी में प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। हाँ प्रभु जी, तू हमें यहाँ चुन करके लाया पिता कि हाँ प्रभु जी, हम अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज के लिए, अपनी कलीसिया के लिए पिता एक आशीष बने पिता। और समय हाँ पिता, हम जिस भी परिस्थिति से हम जूझ रहे पिता, हम उस परिस्थितियों को पिता आपके चरणों में लाते हैं। हाँ प्रभु जी, वो हर एक स्ट्रगल को पिता हम आपके चरणों में लाते हैं। और हम प्रभु जी चाहते हैं कि पिता तू अपना पूरा नियंत्रण वहाँ पे ले पिता, अपना पूरा कंट्रोल ले पिता। आज हम पिता आपको पूरा अधिकार देते हैं पिता, अपनी हर एक परिस्थिति में पिता। हम चाहे उन परिस्थिति को अब तक अपने हृदय में दबा करके रखे हुए होंगे, लेकिन हाँ पिता, आज इस घड़ी में पिता उन हर एक परिस्थितियों में आपका अधिकार देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, हम आपसे अनुग्रह मांगते पिता, तू उन परिस्थितियों को अपने अंडर कंट्रोल में ले ले प्रभु जी। हाँ पिता, एक एक चीज जो हमसे जुड़ी हुई पिता, तू अपने नियंत्रण में ले। और हाँ पिता, उस परिस्थिति को तू आप में नया कर। हाँ पिता, सब कुछ हम पिता अपने कलीसिया में, अपने परिवार में पिता, अपने समाज में पिता हमें गवाही हो प्रभु जी। हाँ पिता, आशीष हो प्रभु जी, जैसा आपने हमें आशीष किया पिता, जैसा आपने हमें चुन करके अलग किया पिता, औरों के आशीष कह सके पिता, ये अनुग्रह चाहते पिता। हाँ पिता, हमने कुछ कमाया नहीं पिता, सब कुछ आपका दिया हुआ पिता, और उन सबों को भी पिता आपके हाथों में सौंपते पिता, कि तू पिता अपना पूरा हस्तक्षेप करिए प्रभु जी हम हर एक के जीवन में पिता। और जो बातें तो प्रभु जी, जो आपने हमारे जो कल्पनाओं को रखा पिता, जो योजनाएं जो आपने हमारे लिए बनाई है पिता, कि हम पिता आपको महिमा दे पिता, हाँ प्रभु जी, वो महिमा हम दे सके पिता। हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, और सब कुछ को हम एक बार फिर से पिता आपके चरणों में लाते हैं। हम सब चीज़ को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा देते हैं पिता, कि तू अपना पूरा नियंत्रण ले लिया है प्रभु जी हमारी हर एक परिस्थितियों पर। और तू आज उस परिस्थितियों में होकर के तो हमसे बोल रहा है प्रभु जी, अपने दास के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, आज इस घड़ी में पिता, हाँ पिता, हम चाहते हैं उस परिस्थिति में पिता आपका नाम ऊंचा किया जाए। हाँ पिता, आपका नाम हमारी परिस्थितियों में ऊंचा किया जाए प्रभु जी। हाँ पिता, आपका नाम जो श्रेष्ठ नाम है पिता, हम चाहते हैं हमारे जीवन में, हमारे घर, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में पिता, हमारे समाज में प्रभु जी आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम पिता आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, हम पिता आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते। भैया, उसके नाम को महिमा दे, उसके नाम को आदर दे।
परिस्थिति प्रभु जी नया होने पाए पिता, हमारा परिस्थिति आप में बदल जाने पाए प्रभु जी। आप पिता सब कुछ सारी बातें बीत गई है प्रभु जी, आपका वचन कहता है देखो सब कुछ नया हो गया पिता। आप पिता उसी नया को प्रभु जी, आज उसी नए स्टार्ट को प्रभु जी हम फिर से चाहते हैं प्रभु जी, और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता तू आज वैसा करने जा रहा है प्रभु जी। हम पवित्र आत्मा अपना पूरा कंट्रोल और आगे की पूरी सभा का नियंत्रण प्रभु आपको देते हैं, और फिर से प्रभु आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तो अपनी आत्मा से भर और हम हर एक से बोल बातचीत कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम ऊंचा हो, हम धन्यवाद देते हैं। आप यहाँ उपस्थित है प्रभु जी, तो हम हर एक के बगल में है प्रभु जी, और तू हर एक को कम्फर्ट कर रहा है प्रभु जी, तो हम हर एक को पिता से हरा रहा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तू आप अपने वचन को भी भेज करके पिताजी हमें उस हर एक परिस्थिति से आज़ाद कर रहा है, हमारे गढ़े से निकाल रहे प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना को सुना आपने, धन्यवाद देते हैं। आगे के पूरी सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं, उस प्रार्थना को हम अपने उद्धार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रभु को महिमा, आज प्रभु ने आप लोगों से बातें किया, कितनों से बातें किया, जिस भी आप बात को लेकर गए आप विश्वास कीजिए कि यहाँ से जब आप लौटते हैं तो प्रभु उस परिस्थिति को नया करेगा, उस पर अपना काम करेगा। इस घड़ी हम परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाएं और इस गीत को गाएं, और चाहते हैं कि आप लोग साथ में हमारे साथ में इस गीत को गाएं जो कहता है नया जीवन होगा कैसा सुहाना। सब जानते हैं इस गीत को, सब जानते हैं, तो जोर से गाएंगे, एक ही जनता आवाज आ सकता है, जोर से गाएंगे, ठीक है, आइए हम उसके आराम से
शुरुआत होगी अपने परिवार से, अपने लोगों से प्रभु, और ये फैलता चला जाएगा हमारे शहर, हमारे इस राज्य, ये देश में फैल जाएगा प्रभु। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना प्रभु, और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, ये सबसे बड़ा सुसमाचार है कि आज हम इस जगह पे पाए जाते हैं प्रभु, हम आपके वचन को सुन पा रहे हैं प्रभु। होने दीजिए, ऐसे कितने कान होंगे जो आपके सुसमाचार को अभी तक नहीं सुन पाए प्रभु, हम उन कानों के लिए भी प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं
यीशु के नाम से हर एक कान उस सुसमाचार को सुन लेगा प्रभु, हर एक कान आपके उस अद्भुत प्रकाशन को सुन लेगा प्रभु, प्रभु उस छुटकारे को, उस छुटकारे के गीत को वो कान सुन लेगा प्रभु। प्रभु हमें तैयार कीजिए प्रभु, हमें भेजिए प्रभु, जैसा यशाया कहता है कि मैं जाऊंगा प्रभु, प्रभु हमें भेजिए प्रभु, हम जाना चाहते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। प्रभु किसी भी रीति से ये शैतान इस वचन को हमारे हृदय से चोरी ना कर ले प्रभु, प्रभु हम इसे संजो करके लेके चले प्रभु। प्रभु हम अपने कानों से नहीं लेकिन आज हम अपने हृदय से सुने प्रभु, आज हम अपने डायरी में नोट नहीं किया पहले बल्कि प्रभु अपने हृदय रूपी पट्टियों में से आज नोट किया है प्रभु। प्रभु उस जगह से वो कभी मिटना ना पाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आपके प्रिय बेटे को हम ब्लेस करते हैं प्रभु, जितना उन्होंने बोया उसका 100 गुना उन्हें रिटर्न मिलने पर। जो दूसरों की खेती सींचता है प्रभु उनकी भी सींची जाएगी, आपका वचन कहता है प्रभु। प्रभु उनकी उनका भी जो भी हर एक बातें प्रभु उनके लिए भी पूरी की जाए प्रभु, उनका पूरा खाना यीशु में और ज्यादा प्रभु आशीष पाए प्रभु जी, और ज्यादा अभिषेक में वो बढ़ने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु अद्भुत प्रकाशन बुद्धि और ज्ञान की बातें उनके मुख से निकलने पाए प्रभु। और सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु जब वो अपने हाथ को उठाए प्रभु हर एक लोग चंगे हो जाए, छुटकारे को पाने पाए प्रभु। यीशु के नाम से हमने ब्लेस करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं एक अच्छी सेवकाई के लिए प्रभु। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं इस वर्शिप टीम के लिए जिसे आपने चुना खड़ा किया प्रभु, आपके छुटकारे के गीतों से प्रभु आपके लोगों को प्रभु तैयार किया आपके वचन के लिए प्रभु। प्रभु उन्हें जिनके मुख को और ज़्यादा ब्लेस कीजिए प्रभु, इनके हाथों को और ज़्यादा ब्लेस कीजिए प्रभु, या और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए और ज़्यादा खड़े होने पाए प्रभु। प्रभु जैसा कल आपने कहा प्रभु कि आने वाले समय में ये प्रभु में सुपरस्टार हो जाने पाए प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु। आपके प्रिय लोगों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं जिसे आपने चुन कर इस जगह पे भेजा, क्योंकि आपका वचन इस बात को बतलाता है कि जब तक पिता ना चाहे कोई आप तक पहुंच नहीं सकता, और जब तक पिता खींच कर ना लाए कोई आप तक आपके भवन में नहीं पाया है। प्रभु आपने इन्हें भेजा है प्रभु, आपने चुन कर यहाँ पे लेकर आया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रिय लोगों के लिए प्रभु। प्रभु कोई भी राजा बिना प्रजा के नहीं होती है प्रभु, धन्यवाद आपकी इस सुंदर प्रजा के लिए प्रभु। प्रभु इन्हें और ज्यादा आशीष कीजिए प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं अपने बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा से इन्हें भरे। और प्रभु जो भी भेंट हमने आपको अर्पण किया प्रभु उस भेंट में आपकी आशीष होने पाए प्रभु, प्रभु उसे बहुगुणित कीजिए प्रभु, और प्रभु आपके स्वर्ग के राज्य के लिए खर्च कीजिए प्रभु। और यीशु के नाम से प्रभु जिन लोगों ने दिया नहीं दिया प्रभु, प्रभु दोनों हाथों को ब्लेस कीजिए प्रभु, दोनों को आशीष कीजिए प्रभु, और हर एक भंडार भरे पूरे रहने पाए, क्योंकि यीशु मसीह आपका वचन इस बात को बतलाता है कि आपके लोग कभी भी गरीब नहीं हो सकते, कभी भी प्रभु आपके लोग देने में सक्षम प्रभु हो जाए ना पाए प्रभु, वो कभी भी प्रभु इनकैपेबल ना होने पाए प्रभु, वो हमेशा देने वाले बने प्रभु अपने लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लिए। आपको धन्यवाद करते हैं कि आप इन्हें देने वाले बनाए हैं, धन्यवाद करते हैं सारी महिमा आपको देते हैं। जैसा हम आए थे प्रभु सुरक्षित हम अपने घरों को पहुंचने पाए प्रभु, आपके स्वर्गदूत हमारे रक्षा रखवाली करने पाए प्रभु, और जब हम अपने घरों को पहुंचे फिर से पहुँच कर आपको धन्यवाद दे पाए प्रभु, और हर एक छोटी छोटी बातों में हम आपको धन्यवाद दें। हम आपको धन्यवाद करते हैं सारी महिमा सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं प्रभु, धन्यवाद आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया और उसको उत्तर हमें दे दिया प्रभु, धन्यवाद इस प्रार्थना को सुना और इस प्रार्थना को यीशु हम आपके नाम से मांगते रहे सुने के स्वर्ग के राज्य में अनुग्रह से ग्रहण कीजिएगा। हम लोग एक साथ कहें आमीन, हम लोग अनुग्रह वचन एक साथ कहें, और हमारे प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सेवा हम सबों के साथ सदा सर्वदा रहे आमीन।